अवनींद्रनाथ टैगोर जी का जीवन परिचय। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। जन्म 7 अगस्त 1871 कोलकाता, ब्रिटिश इंडिया। मृत्यु 5 दिसंबर 1951 कोलकाता। कार्य क्षेत्र चित्रकारी, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट। भूमिका अवनींद्रनाथ टैगोर, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के मुख्य चित्रकार और संस्थापक थे। भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के वे पहले सबसे बड़े समर्थक थे। इस प्रकार उन्होंने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की स्थापना में अति प्रभावशाली भूमिका निभाई, जिससे आधुनिक भारतीय चित्रकारी का विकास हुआ। एक चित्रकार के साथ साथ वह बंगाली बाल साहित्य के प्रख्यात लेखक भी थे। वे अबन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध थे और उनकी पुस्तकें जैसे राज कहानी, बूढ़ो अंगला, नलक, हीरेर, पुतूल, बांग्ला बाल साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान आर्ट स्कूलों में पढ़ाए जाने वाले पश्चिमी चित्रकला शैली के प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने मुगल और राजपूत शैली की पेंटिंग्स में आधुनिकता लाने का प्रयास किया, जिसके परिणाम स्वरूप एक भारतीय शैली की कला का अभ्युदय हुआ, जिसे हम बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से जानते हैं। अवनींद्र की कला इतनी सफल हुई कि ब्रिटिश कला संस्थानों में उससे राष्ट्रवादी भारतीय कला के नाम से प्रोत्साहित किया गया। उनकी शैली ने बाद में कई चित्रकारों को प्रभावित किया, जिसमें प्रमुख हैं नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, चित्तेंद्रनाथ मजूमदार, मुकुल डे, मनीषी डे और जामिनी राय। प्रारंभिक जीवन। अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म प्रसिद्ध टैगोर परिवार में कोलकाता के जोरा संको में 7 अगस्त 1871 में हुआ था। उनके दादा का नाम गिरीन्द्रनाथ टैगोर था, जो द्वारकानाथ टैगोर के दूसरे पुत्र थे। वह गुरु रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। उनके दादा और बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर भी चित्रकार थे। उन्होंने कोलकाता के संस्कृत कॉलेज में अध्ययन के दौरान चित्रकारी सीखी। सन 1890 में उन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में दाखिला लिया, जहां उन्होंने यूरोपीय शिक्षकों जैसे ओ गिलार्डी से पेस्टल का प्रयोग और चार्ल्स पामर से तेल चित्र बनाना सीखा। सन 1889 में उनका विवाह सुहासिनी देवी से हुआ, जो भुजेंद्र भूषण चटर्जी की पुत्री थी। लगभग 9 साल के अध्ययन के बाद उन्होंने संस्कृत कॉलेज छोड़ दिया और कलकत्ता के सेंट जोवियर्स कॉलेज में 1 साल तक अंग्रेजी की पढ़ाई की। उनकी एक बहन भी थी, जिसका नाम सुनैना देवी था। पेंटिंग के अलावा उन्होंने बच्चों के लिए कई कहानियां भी लिखी और अबन ठाकुर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जीवन की मुख्य घटनाएं। 1871 अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म कोलकाता के जोरा संको में हुआ। 1889 कोलकाता के संस्कृत कॉलेज से स्कूल की शिक्षा ग्रहण की और सुहासिनी देवी से विवाह किया। 1890 कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में दाखिला लिया। 1897 चित्रकार सिग्नोर गिल हार्दी से चित्रकला सीखने लगे। 1903 प्रसिद्ध कृष्ण लीला श्रृंखला की रचना की। 1907 बंगाल स्कूल और इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। 1913 लंदन और पेरिस में उनके कला की प्रदर्शनी लगाई गई। 1919 जापान में उनके कला की प्रदर्शनी लगाई गई।
1951 5 दिसंबर को उनका स्वर्गवास हो गया। करियर सन 1897 के आसपास उन्होंने कोलकाता के गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट के उप प्रधानाचार्य और इतालवी चित्रकार सिग्नोर गिलहार्दी से चित्रकारी सीखना प्रारंभ किया। उन्होंने उनसे कास्ट ड्राइंग, फोली अगे ड्राइंग, पेस्टल इत्यादि सीखा। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश चित्रकार चार्ल्स पाल्मर के स्टूडियो में लगभग 3 से 4 साल तक काम करके तेल चित्र और छाया चित्र में निपुणता हासिल की। इसी दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों के तेल चित्र बनाए और ख्याति अर्जित की। कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट के प्रधानाचार्य ईवी हेवेल उनके काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अवनिंद्रनाथ को उसी स्कूल में उप प्रधानाचार्य के पद का प्रस्ताव दे दिया। इसके बाद अवनिंद्रनाथ ने कला और चित्रकारी के कई शैलियों पर काम किया और निपुणता हासिल की। हेवेल के साथ मिलकर उन्होंने कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट में शिक्षण को पुनर्जीवित और पुनः परिभाषित करने की दिशा में कार्य किया। इस कार्य में उनके बड़े भाई गगनेंद्रनाथ टैगोर ने भी उनकी बहुत सहायता की। उन्होंने विद्यालय में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। विद्यालय के दीवारों में से यूरोपीय चित्रों को हटाकर मुगल और राजपूत शैली के चित्रों को लगवाया और ललित कला विभाग की स्थापना भी की। उन्होंने पश्चिम की भौतिकतावाद कला को छोड़ भारत के परंपरागत कलाओं को अपनाने पर जोर दिया। सन 1930 में बनाई गई अरेबियन नाइट्स श्रृंखला उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। वह मुगल और राजपूत कला शैली से बहुत प्रभावित थे। धीरे धीरे वह कला के क्षेत्र में दूसरे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के संपर्क में भी आए। इनमें शामिल थे जापानी कला इतिहासविद ओकाकुरा काकुजो और जापानी चित्रकार योकोयामा टाइकन। इसका परिणाम यह हुआ कि अपने बाद के कार्यों में उन्होंने जापानी और चीनी सुलेखन पद्धति को अपनी कला में एकीकृत किया। अवनिंद्रनाथ टैगोर के शिष्यों में प्रमुख थे नंदलाल बोस, कालीपद घोषाल, शितेंद्रनाथ मजूमदार, सुरेंद्रनाथ गांगुली, असित कुमार हल्दर, शारदा उकील, सुमरेंद्रनाथ गुप्ता, मनीषी डे, मुकुल डे, के वेंकटप्पा और रानाडा वकील। लंदन के प्रसिद्ध चित्रकार, लेखक और बाद में लंदन के रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट के अध्यक्ष विलियम रोथेनस्टीन से उनकी जीवन पर्यंत मित्रता रही। वे सन 1910 में भारत आए और लगभग 1 साल तक भारत का भ्रमण किया और कोलकाता के अवनिंद्रनाथ के साथ चित्रकारी की और बंगाली कला शैली के तत्वों को अपने शैली में समाहित करने की कोशिश की। सन 1913 में उनके चित्रों की प्रदर्शनी लंदन और पेरिस में लगाई गई। उसके बाद उन्होंने सन 1919 में जापान में अपनी कला की प्रदर्शनी लगाई। सन 1951 में उनकी मृत्यु के उपरांत उनके सबसे बड़े पुत्र तोपू धवल ने अवनिंद्रनाथ टैगोर के सभी चित्रों को नवस्थापित रविंद्र भारती सोसाइटी ट्रस्ट को दे दिया। इस प्रकार यह सोसाइटी उनके द्वारा बनाए गए चित्रों की बड़ी संख्या की संग्राहक बन गई। अवनिंद्रनाथ टैगोर के बारे में एक दिलचस्प बात कम लोगों को ही याद होगी कि रविंद्रनाथ टैगोर को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलने से भी पहले अवनिंद्र का नाम यूरोप में प्रतिष्ठित चित्रकार के तौर पर स्थापित हो चुका था और अवनिंद्र और उनके बड़े भाई गगनेंद्रनाथ के ब्रिटिश और यूरोपीय मित्रों ने ही रविंद्रनाथ टैगोर को अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि को अंग्रेजी में प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहित किया। साहित्यकार के रूप में अवनिंद्रनाथ टैगोर एक चित्रकार के अलावा एक प्रसिद्ध साहित्यकार भी थे। उन्होंने
उन्होंने बंगला भाषा में बाल साहित्य का सृजन किया। शिरेर, पुतुल, बूरो, अंगला, राज कहानी और शकुंतला उनकी कुछ प्रमुख कहानियों में से है। उनकी दूसरी महत्वपूर्ण रचनाएं थी अपन कथा, धरोया, पथे विपथे, जोरा संकोर धरे, भूता पत्री, नलका और नहुष। उन्होंने कला दर्शन और सिद्धांत पर कई लेख लिखे जिससे उन्हें कलाकारों और विद्वानों से प्रशंसा मिली।